वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं रुचि। और ये आप क्या देख रहे हैं, ये पाव भाजी की तैयारी की है मैंने। तो आप सोचेंगे सुबह के टाइम पाव भाजी, मतलब दोपहर के लिए बना रही हूं मैं, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को कोई ज़्यादा खाना नहीं खाता है, तो मैंने सोचा सुबह में ही बना लूं, मतलब दोपहर के खाने में। तो मैंने आलू, मटर और फूल गोभी एक साथ काट के रखा है, आप देख सकते हैं। सिर्फ ये तीनों ही चीज़ें मैं डालती हूँ, और हमेशा सूखी मटर को भी मैं भिगो के डालती हूँ, मतलब आधी सूखी मटर आधी ग्रीन मटर, फ्रेश मटर। लेकिन आज मैं सिर्फ फ्रेश मटर डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे घर में थे इसीलिए। तो उसको कुकर में डाल के चढ़ा देना है नमक डाल के, और एक साइड पर मेरा दूध गर्म हो चुका है, इसको ढक देती हूँ। एक साइड पर मेरी चाय भी बन चुकी है, तो सुबह की चाय भी पीने के लिए जा रही हूँ मैं। और साइड पर धुल रहे हैं कपड़े खूब सारे, तो कुकर में भी अब दनादन सीटियाँ लगेंगी। और पाव भाजी की रेसिपी पहले शेयर्ड है, लेकिन कल के ब्लॉग पे ही किसी ने लिखा था कि दीदी पाव भाजी की रेसिपी बताइए, तो बस इसीलिए शेयर कर रही हूँ। तो सीटियाँ लग चुकी हैं अब, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो इसी तरह से बनाती हूँ मैं पाव भाजी। आज पूरी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, जिसने ना देखी हो वो देख ले। इसको क्रश कर देना है, जो उबाल के रखा है ना मैंने सारा स्टफ, उसको क्रश करना है। और इसके बाद एक कढ़ाई में जितना भी डिज़ायर्ड कुकिंग ऑयल है वो डाल देना है। और मैं जो है लहसुन और हरी मिर्च को इस तरह से कूट के डालती हूँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हो। और इस वक्त मैं बड़े ही अजीब कपड़ों में हूँ, मतलब हाफ नाइटी पहनी थी और सुबह उठ के उस पर पजामा पहन लिया था। ये देखिए मैं इसी में कर दूँगी, ये जो मेरा चॉपर है ना, इसी में मैंने प्याज किया और इसी में टमाटर कर दूँगी। ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है, मतलब टाइम सेविंग हैक है ये मेरा जो चॉपर है। वेल, तेल में मैंने डाला है हींग, और इसके बाद डाल देना है लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने क्रश करके रखा है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर कोई पेस्ट डालना चाहे तो पेस्ट भी डाल सकता है, नॉट एन इशू। तो इसको थोड़ा सा कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही बस फ्राई करेंगे, और फिर डायरेक्टली जो प्याज क्रश करके रखी है वो डाल देंगे। एक्चुअली ना पाव भाजी बच्चों को बहुत पसंद है, तो मेरे यहाँ पे आए दिन बनती ही रहती है। कितनी बार तो बनती है मैं आपको शो नहीं करती, क्योंकि बार बार शेयर करने का क्या मतलब। ये तो कल किसी ने लिखा था, इसीलिए मैंने शेयर कर दिया है। और आप लोग अगर चाहें ना, तो पाव भाजी में बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं, अगर कुछ आपका मन है तो। मैं कैप्सिकम इसमें अंदर ऐड नहीं करती हूँ, कैप्सिकम मैं जब तड़का अभी लगा रही हूँ ना, तब बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्टिर करते हुए इस प्याज को फ्राई कर रही हूँ, बस पिंक करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्रिशा मेरी हेल्प कर रही है साथ साथ। और इसके बाद जो टमाटर मैंने चॉपर में ही करके रखे हैं, 3 से 4 टमाटर किए हैं मैंने, इसको भी डाल देना है इसी के अंदर। तो बस अब फ्राई करते जाना है, करते जाना है, जब तक कि मसाला तेल ना छोड़े। और अंदर हल्का सा नमक डाल दूंगी, सो दैट ये जल्दी से मसाला जो है भुन जाए। नमक डालने से बहुत जल्दी भुन जाता है। ये देखिए अब मैंने गैस चेंज किया है, क्योंकि वो गैस हल्का चल रहा था और ये तेज़ चलता है इसीलिए। और प्रिशा क्रश कर रही है भाजी को जो मैंने बॉयल करके रखी है, सो बीच बीच में ढका है मैंने, सो दैट अच्छी तरह से भुन जाए। और ये जो लिड वाली कढ़ाइयाँ होती है ना, इसमें बहुत अच्छा खाना बनता है, कभी ट्राई करना आप। तो ये मेरा प्रेस्टीज ओमेगा वाला रेंज का था कढ़ाई, मैंने पूरा सेट लिया था। तो इसमें मैंने हल्दी और मिर्ची डाल दी है, अभी और कुछ भी नहीं डाला है। और फिर से इसको थोड़ा सा भूनेंगे और थोड़ी देर के लिए फिर से ढक देंगे। एज वेल एज जितनी देर में ये ढक रहा है, तो मैं धनिया काट लूँगी, क्योंकि मैं अंदर भी डालूंगी मसाले में और ऊपर से भी गार्निश करूँगी। और यहाँ पे जो प्रिशा साइड पे कर रही है, वो कैप्सिकम को चॉपर में ही उसने क्रश कर दिया हुआ है। देखिए कितनी अच्छी तरह से क्रश हुआ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये चॉपर बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मैंने कहाँ से लिया, अमेज़ॉन से लिया था। तो देखिए कैप्सिकम कितनी अच्छी तरह से चॉप हो गई है, टाइम कितना बच जाता है वो देखो आप, अगर आप काटोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने इसमें कैप्सिकम और हरा धनिया थोड़ा डाल दिया, और फिर से मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, चलाते हुए फ्राई करते जाना है। और इसमें हल्दी मिर्ची ऑलरेडी डल चुकी है, 2 मिनट के लिए ढक दूंगी, सो दैट जो कैप्सिकम्स हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, कच्ची ना रह जाएं। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा मसाला भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी कश्मीरी मिर्ची। कश्मीरी मिर्ची का पाउडर जो होता है वो कलर के लिए होता है, और पाव भाजी में कलर बहुत अच्छा लगता है। पाव भाजी जब तक रेडिश ना हो ना, तब तक वो देखने में अच्छी ही नहीं लगती। और इसके बाद डालूंगी पाव भाजी का मसाला, ये आपको अलग से मार्केट में मिल जाएगा, ये एवरेस्ट का मैं डाल रही हूँ, वैसे बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये डालने से। एकदम भाजी की जो सुगंध आती है ना, मतलब मन कर जाता है कि बस खा लो। तो अब मेरा मसाला भुन चुका है, तो अब जो भाजी है मैंने उबाल के रखी है, इसको डाल देंगे इसके अंदर, और फिर प्रॉपरली इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, ताकि मिक्स हो जाएं सारे मसाले अच्छी तरह से। इसके बाद डालेंगे नींबू, नींबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाजी में, उसी से टेस्ट आएगा। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना खट्टा आपको चाहिए, ज़्यादा खट्टा चाहिए, कम खट्टा चाहिए, आप टेस्ट कर सकते हैं। बीच में थोड़ा हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं डालूंगी बटर ऊपर से, और ना एक ऊपर से तड़का और लगाना चाहिए कश्मीरी मिर्च का। ये देखिए बटर डाल दिया मैंने, तो कश्मीरी मिर्च थोड़े से तेल में
डाल के ना, मतलब तड़का जैसे लगाते हैं तो उससे ऊपर से कलर आ जाता है। ये देखिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा तड़का डाल दिया है तो कलर अलग ही दिखाई दे रहा है। वेल, मेरी भाजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे, थोड़ा बटर डाल दिया एक्स्ट्रा। आप सोचेंगे बटर दीदी ने दो तीन बार डाल दिया, येस इसमें बटर जाता है, बटर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। भाजी में बटर रहा तो मज़ा ही नहीं आता है। तो ये देखिए एकदम गर्मा गर्म भाजी तैयार है और इसको जब आप पाव के साथ और कटी हुई प्याज और टमाटर की सैलड के साथ खाएंगे ना तो मुँह से आपके वाव निकल ही जाएगा। तो इस रेसिपी ट्राई कर लेना, काफ़ी अच्छा बनता है। तो बस हमारा बन चुका है, अब हम खाने के लिए बैठेंगे। दोपहर का टाइम हो चुका है तो यहाँ पे मैं सबके लिए सर्व कर रही हूँ भाजी, आप लोग भी आ जाइए। और ये काफ़ी यमी लगती है और हमारे गुजरात में और मुंबई साइड पे ये वाली पाव भाजी बहुत फेमस है और बच्चों के लिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें ढेर सारी वेजीज़ होती हैं। तो मैं सर्दियों में ना ऐसी चीज़ें बहुत बनाती रहती हूँ, कई बार शेयर नहीं कर पाती हूँ रेसिपी, लेकिन मेरे यहाँ पे सब्ज़ियाँ सर्दियों में बहुत यूज़ होती हैं। दबा के मैं गाजर मटर गोभी ये सब दबा के यूज़ करती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, साथ में पाव सर्व कर रही हूँ और साथ में प्रिशा सैलेड सर्व करेगी। तो ये हमारा आज का दोपहर का खाना है। तो अभी शाम हो चुकी है तो बाहर का वेदर दिखाना तो बनता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले हल्दी कुंकू चल रहा था महाराष्ट्र लोगों में, तो मैं किसी के घर जा नहीं पाई थी, बहुत सारे इन्विटेशन आए थे। तो आज विवेक घर पे हैं काफ़ी दिनों के बाद, तो वो बोल रहे हैं चलो सारे घरों में जाके मतलब सबको मिल के आएँ और हल्दी कुंकू की रस्म पूरी करके आएँ। वैसे हल्दी कुंकू निकले काफ़ी दिन हो चुके हैं लेकिन मुझे टाइम आज मिला है तो आज मैं तैयार होकर जाने वाली हूँ। गाइस कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली अब मिल रही हूँ आपसे, पाव भाजी खा के पचा के डाइजेस्ट भी कर लिया, बहुत अच्छी बनी थी पाव भाजी। और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा टायरिंग था, काफ़ी थक गई हूँ आज। आज यहाँ पे ना एक्चुअली एसी के लिए प्लग लगवाया, अगर आप देख सकते हो लैंप के एकदम बाजू में आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का, तो वो मैं आपको काम चलते हुए दिखा नहीं पाई, मैं थोड़ा सा बिजी थी उस टाइम पे। तो आज इलेक्ट्रिशियन भैया सब काम करके गए हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे कनेक्शन नहीं था इस रूम में, कनेक्शन एसी का बाजू वाले रूम में है, लेकिन हम लोग सोते हैं यहाँ पे, तो पहले मैं एसी यहाँ पे लगवा रही हूँ, उसके बाद फ्यूचर में कभी देखेंगे जब बच्चे वहाँ पे सोएंगे, अभी तो कोई वहाँ सोता नहीं है, बच्चों को बोलो तो वो मानेंगे ही नहीं, यहीं पे सोएंगे। पाव भाजी ऐसी अचानक से प्लान बन गया था बनाने का, मटर थोड़ी पड़ी हुई थी, आज मैंने सूखी मटर नहीं भिगोई थी, आज मैंने जो फ्रेश मटर होती हैं उन्हीं का बना दिया था, थोड़ी सी भाजी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। और मैंने रेसिपी यूँ शेयर कर दी क्योंकि जब मैं नहीं करती तो कुछ लोग जो पहले वाला व्लॉग नहीं देखते पाव भाजी वाला, वो लोग बोलते हैं दीदी आपने शेयर क्यों नहीं किया, तो इसलिए फटफट आपको दिखा दी रेसिपी। पहले इसमें एसी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे मेकअप शूट वगैरह भी करने होते हैं। मैंने जब से मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया है, क्या आप जानते हैं ये राज कि मैंने कभी भी अभी तक एसी के बिना मेकअप शूट किया, तो अब आप सोच के देखोगे जो शूट मैं पहले कर चुकी हूँ, अब से पहले जितने भी मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं सब तो सर्दियों में नहीं किए, मैंने गर्मियों के सीजन में भी किया था लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर गर्मियों के सीजन में भी किया था, तो आप सोचिए मैंने कैसे किए होंगे। मैं साथ में एक कपड़ा रखती थी मलमल का और बीच बीच में उसे टैप टैप करती रहती थी शूटिंग ऑफ करके, और फिर मैं पूरा मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीट करती थी। इस तरह से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी यहाँ तक कंप्लीट की है विदाउट एसी, यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। मतलब शूट करते टाइम एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है कई बार, वो आपको भी पता होगा यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है गुजरात में, तो मेकअप के टाइम पे ऐसे वैसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एसी की, उसके बिना मैंने यहाँ तक की जर्नी मेरी कंप्लीट की है यूट्यूब की, आपको नहीं पता था तो आज ये राज भी बता दिया कि यहाँ तक मैं पहुँची हूँ ऐसे। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, शाम की चाय वाय हो जाएगी हमारी, विवेक भी हैं घर पर अभी नीचे खेलने गए, प्रिशा पड़ रही है, फिर बाद में हम लोग निकलेंगे वो हल्दी कुंकू के लिए जो मैंने बोला है, मुझे एक जगह पे दो तीन जगह पे जाना है। तो चलिए फिर फटाफट से काम शुरू कर देते हैं, उसके बाद आराम से मिलूंगी आपको। शुरू तो करते हैं तभी ख़त्म होंगे ना सारे काम, और बिंदी लगा के जाऊंगी होपफुली सिंदूर भी, क्योंकि मैं जा रही हूँ हल्दी कुंकू में, ये सुहागनों का वो होता है रस्म होती है सुहागनों के लिए करते हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं, चलिए चाय बनाते हैं। और यहाँ छोटी टेबल पे इन्होंने सब्जियाँ ला के रखी हैं, सुबह जब मैं भाजी बना रही थी ना धनिया ख़त्म हो गया था, क्या क्या लाए हैं, मिर्ची मेथी धनिया और क्या क्या है और भी कुछ है, प्याज, प्याज का क्या भाव हो गया विवेक? 50 यानी उतर गया भाव थोड़ा। ये देखिए टेबल से वैसे वैसे पड़ी है और बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। ये फिर से मैंने मंगवाया है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ एक खाली डब्बा भी रखा हुआ है, ये देखिए इसका खाली डब्बा, ये भी ओजीवा का ही है, आपको पता है प्रिशा पीती थी पहले, है ना, याद होगा आप सबको। तो ये ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ये, तो ये दूसरा डब्बा मंगवाया है। और इसके साथ साथ मैंने अपने लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ मंगवाई है, तो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू इसका, तो मुझे पता है ये तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है, बहुत ही बेस्ट यानी बहुत ही बेस्ट है, तो इसका रिव्यू तो मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूँगी आपके साथ, कुछ दिन बाद फिर इसका रिव्यू शेयर करूँगी क्योंकि इसको मैं आज से पीना शुरू कर रही हूँ, तो आज से पीना शुरू करूँगी, इट मीन्स के एक हफ़्ते के बाद मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर करूँगी। ऐसे है और यहाँ से सब्जियाँ वब्जियाँ भी उठा के रखूँगी। ये देखिए ये फूल में लाई थी रिलायंस से, कितना बड़ा, इसमें से मैंने पाव भाजी में डाला तो भी बच गया है, आप देख सकते हो
तो चलिए फिर बना लेते हैं चाय। इसमें मेथी भी अलग करनी है, मेथी तोड़ के रखूँगी आज, इसके पराठे बनाऊँगी फिर से। विवेक ने नहीं खाए उस दिन तो कह रहे हैं। और ये धनिया है, हरी मिर्च है, कांदा है, कांदा पता है गुजराती में कहते हैं, वैसे बोलते हैं इसे प्याज, प्याज। देखिए शोना पारा बच्चा तैयार हो रहा है, नई नई टी शर्ट पहनी है इन्होंने, ये भी मेरे साथ आ रही है, और मैंने चूड़ियां पहननी है। देखिए कभी कभी अच्छी लगती है ग्रीन चूड़ियां पहननी, और हमारे यहाँ पे मतलब मराठी लोगों में ग्रीन चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। मैंने लिपस्टिक चेंज की है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है ये टॉप। हम मराठी लोग में ग्रीन बैंगल्स पहनी जाती हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी इस वाले काम के लिए जा रहे हैं तो पहन लूँ। मंगलसूत्र भी डालने वाली हूँ जाने से पहले, बस जा ही रहे हैं, निकल ही रहे हैं हम लोग। और अभी चाय वाय हो गई हमारी, 7 o'clock हो रहे हैं तो अब निकल रहे हैं। प्रिशा और अभी भी साथ में आ रहे हैं, पहले नहीं आने वाले थे लेकिन वो अभी आ रहे हैं। वहाँ बाजू में उसकी फ्रेंड रहती है, तो बोली मम्मी 2 मिनट जाके आऊँगी। आने के बाद मुझे मेथी वगैरह साफ करनी है कल के लिए, सब्जी लेके आए थे सुबह थोड़ी सी ना, जब भाजी में बना रही थी कुछ चीज़ें कम पड़ गई थी तो वो मंगवाई थी, तो वो सब साफ़ करना है आके। ये कपड़े तह लगाने हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, वापस आके लगाती हूँ। अभी तो फिलहाल फटाफट से सारा काम करके हम लोग वापस आना चाहेंगे, क्योंकि बहुत काम हो जाता है आके, एडिटिंग वगैरह भी करनी है। प्रिशा तैयार हो गई, उसने नई टी शर्ट पहनी है मीशो वाली। कपड़े अभी गिरा गया है यहाँ पे नीचे, तो टाइम नहीं है, आने के बाद करूँगी। चलिए हो गए तैयार। देखिए हमारी परी आई, ये रहा मीशो का ट्राई ऑन हॉल। मम्मी ने ट्राई ऑन किया कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन मैंने पहन के बहुत प्यारा लग रहा है, और इसका कपड़ा सच में अमेजिंग है। इट्स लाइक जैसे मतलब बटरी क्लोथ है, पहनने के बाद इतना पता नहीं चल रहा है ना, मतलब बहुत सॉफ्ट है ना, कंफर्टेबल। कैसा लग रहा है तुझे? और लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही है, वही है ना जो तू हमेशा लगाती हो लास्ट ऑन? हाँ, वो बेड के नीचे गिर गई थी उस दिन, लेकिन फिर मैंने निकाल दी थी वापस, अभी आज ही निकल रही है। कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है, किससे मुंह धो के आई है? ये टी शर्ट मैंने मेरे लिए मंगवाई थी लेकिन मैडम ने ले ली है, और कुछ ज्यादा ही सुंदर और गोरी गोरी लग रही है। क्या अभी नहाई है ये? मुंह किससे धोया? मैंने चारकोल फेस वॉश, अमेजिंग है। और उसके साथ ब्रिसल्स भी आते हैं, जिससे अच्छे से मतलब मेरे जितने पिंपल्स उखड़ रहे हो ना, तो उसे हाथ ही नहीं उखड़ना पड़ता। अच्छा। मतलब ऐसे 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 स्क्रब करके पसंद आ रहा है, फिर पिंपल्स निकल रहे उससे। ठीक है, बहुत जल्दी आपके साथ रिव्यू करूंगी, बहुत जल्दी। इसने अपने लिए मंगवाया, ये अभी तक यूज कर रही थी, पहले दूसरा यूज कर रही थी। वाओ का एक्चुअली इससे पहले वाला खत्म हो गया मेरा। कौन सा वाला था? वो भी अच्छा था ना, वो मेरा था एंटी एक्ने ना, एंटी एक्ने था, वो खत्म हो गया। लेकिन पता नहीं आजकल मैं ना चारकोल से बहुत अट्रैक्ट हो रही हूं, लाइक चारकोल सोप भी इतना अमेजिंग है, सो आई वांटेड टू ट्राई अ चारकोल। इसको चाहिए था एक फेस वॉश चारकोल का, तो मैंने बोला पहले तुम वाओ वाला पहले वाला फिनिश कर दो, तो ये एंटी एक्ने वाओ वाला यूज करी थी, जो काफी इसको सूट तो कर रहा था, लेकिन इसको इच्छा थी चारकोल वाला फेस वॉश यूज करने की, क्योंकि इसको चारकोल का नहाने में बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो इसको मैंने मंगा के दिया है, वाओ का चारकोल वाला फेस वॉश, जिसमें ब्रिसल्स भी आते हैं, काफी अच्छा है। तो इसने अभी अभी 2 दिन से शुरू किया है यूज करना, तो जैसे इसको मतलब 4 दिन हो गए यूज करते हुए, तो ये देखिए काफी स्किन जो है ब्राइटन अप लग रही है। और एक्ने वगैरह जो होते हैं उसके लिए चारकोल फेस वॉश बहुत अच्छा होता है, तो इसको काफी एक्ने का प्रॉब्लम रहता है, तो इसको काफी रिलीफ लग रहा है। और कलर में भी कॉम्प्लेक्शन में भी आपको फर्क दिख रहा होगा, इसने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है मुंह धोने के बाद, कुछ नहीं। सीरियसली देखो 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 कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो आपके साथ बहुत जल्दी इसका रिव्यू शेयर करूंगी, काफी अच्छा फेस वॉश है। पहले जरा कुछ टाइम हम यूज कर लें, कुछ ज्यादा सुंदर लग रही है, हम जेलस। चले लेट हो, ज्यादा सुंदर हो, चलो लेट हो रहा है। बेड पे तुम्हारे कपड़े पड़े हुए दिख रहे हैं, हटाओ इन्हें। नहीं कपड़े नहीं है, मेरे बैग है, हटाओ हटाओ बैग है। इसको बिल्कुल आदत नहीं है, ऐसे ही बेड छोड़ के चली आती है। अभी इस पे नेगेटिव कमेंट मत करना। नहीं नहीं मम्मी मम्मी मम्मी, शाम को नहाने से पहले मैंने अभी जस्ट मेरा सब में सामान रख के गई हूं, देखो उधर देखो सब ठीक से रखा है। अब मैं छीन लूंगी तुमसे वाला फेस वॉश, तुमको ज्यादा गोरी लग रही है। मैं नहीं दूंगी मम्मा को कट्टी। चलो अभी चलो, लेट हो रहा है, चलो चलो। ये क्या कर रहा है? और वो खड़ी है वहां पे हमारी मैडम, मैडम ट्राइपॉड रखा हुआ है हमारा डाइनिंग टेबल पे। अब बोलेंगी टिकटॉक टिकटॉक चलती आई है हमारी मैडम, टिकटॉक चलती आई है। मैंने ये वाली चुन्नी ले ली इस पे,
ये क्रश थी, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। मुझे वहाँ पे वो सिर पे पल्लू लेना पड़ेगा। कोई लोग कमेंट मत कर देना कि प्रिशा तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम है मम्मी के। मैं तो वैसे ही बोल रही थी। क्यूटी पाई लग रहा है। चलो, कब से मुझे यहाँ बैठा रखा है इन्होंने तैयार करवा के, खुद नहीं उठ रहे थे और गुस्से से देख रहे हैं। गुस्सा देखो इनका, नाक पे रखा हुआ, मक्खी नहीं बैठने देते नाक पे। हमारा कहाँ पे है? आई डोंट नो, यही होगा, देखो कहीं काम निशानी है। बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है। बुढ़ापा जवानी। ऐसे करके हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़नी आती नहीं ना बाबू को। बाबू बहुत क्यूट है, मेरा पूछी। बाबू को गुजराती आती है, हिंदी आती है, क्या होता है? दोनों। नहीं, पढ़ना क्या ठीक से आता है? हिंदी। ओके। हाँ भाई, मदर लैंग्वेज है तो फिर। गाइस, तो वी आर बैक, हम लोग घर पे आ चुके हैं। टाइम हो गया है आते आते 10:45 का। अभी डोर बंद कर लो, विवेक अभी वापस किसी काम से जा रहे हैं। और मुझे देखिए कितना सब कुछ मिला है। हल्दी कुमकुम में इस तरह से तिलक लगाते हैं, हल्दी का और मेहंदी का। पीछे सब ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक करना है, बाद में करती हूँ। और हाँ, मैं ये पाव भी लेके आई हूँ क्योंकि पाव भाजी बनी हुई है, तो अभी बच्चे फिर से खाने वाले हैं और हम लोग भी खाने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, मतलब ये लगाते हैं, चांदला करते हैं, मतलब हल्दी और कुंकू लगाते हैं, और फिर कुछ गिफ्ट देते हैं, उसमें मिठाई देते हैं। तो उसमें एक चिक्की थी, तो आज चूड़ी भी पहनी, अच्छा लग रहा है। और दो घरों में गई थी मैं, और दूसरी जगह से भी कुछ मिला है। साथ में ये मिठाई का डब्बा दिया है एक आंटी ने जिनके यहाँ हम गए थे, और एक और चीज़ मिली है जो कि इस पैकेट में है। ये देखिए, ये भी एक वो मिला है, और साथ में ना ऐसे फूल देते हैं, आप फूल देख सकते हैं। और ये कुछ बर्तन है छोटा सा, तो ये सब मिला है। सबके साथ मुझे चिक्की, तिल का लड्डू, ये सब मिला था। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में इन लोगों के लिए भाजी वगैरह दोबारा से फ्राई करती हूँ। और जब पाव भाजी दोबारा फ्राई करो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। शाम के टाइम ये अच्छा लगता है, चला दूँ इसे। तो चलिए फिर, अब मैं आपको आराम से मिलूंगी, सब काम वाम निपटा के। काफ़ी सारा काम एक साथ करना है। और दोबारा से बोल देती हूँ, किसी को भी ये कुर्ता अच्छा लग रहा है तो माय हॉल स्टोर लिंक हमेशा मेरे ब्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। जो भी ड्रेस मैं ब्लॉग में पहनूंगी, बहुत सारे लोग फिर मुझे अलग से पूछते हैं, दीदी कहाँ से लिया कहाँ से लिया, फिर सबको मुझे अलग से लिंक वगैरह देना पड़ता है। सो बेटर है कि मैं जिस भी ब्लॉग में जो भी ड्रेस होगी उसका लिंक अगर मेरे पास होगा तो माय हॉल स्टोर में आपको मिल जाएगा। माय हॉल स्टोर का लिंक मैं आपको दे दूंगी। और अभी मुझे क्या क्या करना है, सब्जियां उठा के रखनी है, एज वेल एज ये कपड़े तह लगाने हैं। जाने से पहले आपको दिखाया था, सब्जियां भी उठा के रखनी है। तो चलिए सब काम शुरू कर लेते हैं। कौन आया? प्रिशा आई होगी, प्रिशा बाबू आ गया। तो ये देखिए, मेरी भाजी मैं गरम कर ली है, मतलब दोपहर की बची भाजी। अभी थोड़ी सी और भी रखी हुई साइड पे, ये मैंने बच्चों के लिए किया इसलिए इसमें थोड़ा सा बटर वगैरह ज़्यादा डलेगा। और मेरा और विवेक का जो है वो ऐसे ही सिंपल मैं गरम करूँगी, उसमें कोई बटर वगैरह नहीं डालूंगी। तो ये बच्चों का तैयार है, बस बच्चों को अब मुझे खाना देना है थोड़ी देर के बाद। एक्चुअली विवेक जो है ना प्रिशा के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बस इसीलिए वो आ जाए, बाद में खाते हैं। अगेन बैक टू रूटीन, वही बस जो रूटीन रोज़ होता है उसी पे आ गई हूँ मैं फिर से। कपड़े वपड़े तह लगा रही हूँ। और कल कोई पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में, तह लगाना किसे कहते हैं, मतलब फोल्ड करना, कपड़ों को फोल्ड करने को तह लगाना कहते हैं दिल्ली साइड में, तो वही मेरी लैंग्वेज है। और मैं सच बोलूँ ना तो अभी मैं जितना काम करती हूँ ना, सब लोग कहते हैं दीदी आप काम बहुत ज़्यादा करते हो, अभी मैं जितना काम करती हूँ ना इससे बहुत कम काम मैंने मायके में किया है। नो डाउट मायके में भी मैं काम करती थी, शादी से पहले काफ़ी काम करती थी, मम्मी कहती नहीं थी लेकिन मैं खुद से करती थी। लेकिन फिर भी होता है ना, मतलब शादी से पहले बच्चा जो है, लड़कियाँ बेटियाँ जो होती हैं वो अपने मायके में थोड़ा लाडली बन के रहती हैं, तो इतना काम वाम नहीं करती हैं। तो मैं सच बोलूँ
ना तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार शादी के बाद इतना काम किया है। बाकी मुझे इतना सारा काम मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे शादी के साल बीतते गए मैं मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होती चली गई। और पता है मम्मी तो आज भी बोलती हैं जब विवेक मेरे खाने की तारीफ़ करते हैं ना, तब मम्मी हंस के बोलती हैं कि मेरी बेटी को खाना बनना आता भी है क्या, आप इतनी तारीफ़ कर रहे हो। क्योंकि माँ को हमेशा ऐसे लगता है ना कि मतलब बच्चा बच्चा ही है, उसको अभी ठीक से नहीं आती होंगी ये चीज़ें। लेकिन विवेक आए दिन मम्मी को तारीफ़ करते रहते हैं क्योंकि मेरी मम्मी भी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनाती हैं। और पता है बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं आजकल मायका, बहुत याद आ रही है मायके की, क्योंकि आपको पता है बीच में मैं जाने वाली थी, ये मैं थोड़ा सा घर ठीक कर रही हूँ। और आप देख सकते हो ये लड़का कब से जो है टेडी बियर की इसने वाट लगा रखी है, ये जब फ्री होता है ना तो बस ये ऐसे ही करता रहता है टाइम पास। तो बहुत याद आ रही है मायके की क्योंकि बीच में मैं जाने वाली थी और जा नहीं पाई थी, बस इसीलिए मम्मी की बहुत याद आ रही है आजकल। लेकिन फ़ोन भी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, उन्हीं के फ़ोन आते हैं, मैं बिज़ी रहती हूँ। और ये मैंने ना डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, वो हो ही जाती हैं शाम तक बच्चों के घर में, सब उठा के रख रही हूँ। और इनकी जो यूनिफॉर्म आप साइड पे देख सकते हो, ग्रे यूनिफॉर्म टंगी हुई हैं, वो मैंने लगा दी हैं यहाँ पे। वैसे तो वो लोग खुद भी लगा लेते हैं पर आज मैंने रख दी हैं ताकि सुबह में ना कुछ ज़्यादा झिक झिक पिक पिक ना हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है मॉर्निंग में यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, फिर मुझे गुस्सा आता है मॉर्निंग में, अगर बच्चे तभी के तभी ढूंढें तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। तो बस इस तरह से ना मैं एक बार घर ठीक करती हूँ। आज शाम को हम लोग निकल गए थे तो अभी मैंने ठीक कर दिया है। और क्या बोले यार, हाउसवाइफ की ज़िंदगी ऐसी होती है, मतलब बस घर के काम कभी पीछा छोड़ते हैं क्या हाउसवाइफ्स का। तो मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ, थक थका के थोड़ी देर बीच में बैठ जाती हूँ। ये देखिए बैठ गई हूँ मैं, वैसे तो टीवी देखने का वक्त मिलता नहीं है, लेकिन बस चलो मैंने कहा जब तक ये दोनों आए बाप बेटी तब तक थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। और ये लड़का देखो, इसके नाटक देखो, ये कर क्या रहा है, बस ऐसे ही करता रहता है। ये इसकी दीदी नहीं होती ना तो ऐसे ही करता है बस ये। गाइज तो ये टाइम है ब्लॉग एंड करने का, अभी हमारा पाव भाजी खाना बाकी है। विवेक किसी काम से ना हम लोग तो ऊपर आ गए थे, नीचे से नीचे उनको कुछ वो भूल गए थे कोई काम, तो वो करने के लिए गए हैं, प्रिशा को साथ में लेके गए हैं। तो मैंने थोड़ा सा घर वर सेटल कर दिया, सारे कपड़े तह लगा के जमा दिए, घर थोड़ा ऐसे वैसे हो रहा था, डाइनिंग टेबल वगैरह वो थोड़ी सी ठीक कर दी, प्रिशा की यूनिफॉर्म बाहर से लेके टंगा दी डाइनिंग टेबल पे, आपने देखा होगा, जैसे कि सुबह में हौज पौज ना हो, सबको सब चीज़ ठीक से मिल जाए। कितना ज़्यादा फैल रहा है ये, तो काफ़ी अच्छा लगा आज, चूड़ी वूड़ी पहन के हल्दी कुंकू में गई, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। जैसा भी था छोटा मोटा पाव भाजी की रेसिपी, वैसे रिपीटेड थी क्योंकि पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं कर देती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो वो वाला व्लॉग नहीं देखते ना, तो फिर वो कमेंट करते हैं कि दीदी आपने क्यों शेयर नहीं किया, क्यों शेयर नहीं किया, तो बस इसीलिए मैंने कर दिया। तो अब इट्स टाइम टू डू माई एडिटिंग फॉर यू गाइज, अब मुझे एडिटिंग करना है तो अब मुझे व्लॉग एंड करना पड़ेगा। पसंद ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आ रहे हैं उसके लिए। तो अब मैं अपना मुँह हाथ धोऊंगी, सबसे पहले मेरा नाइट का रूटीन होता है, मुँह हाथ धोऊंगी मतलब फेस वॉश करूँगी। फेस वॉश ही वाला शुरू किया है प्रिशा ने, वाला जो फेस वॉश है वो प्रिशा ने शुरू किया है और मैं दूसरा वाला कर रही हूँ। और फिर जो भी मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन होता है वो कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं फिर एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ। तो मुझे 11:30 बज जाते हैं सब फिनिश करते करते, सोने के लिए रोज़ 12 बज जाते हैं, ऐसा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हैप्पी हैप्पी से रहिए आप लोग भी, खुश खुश से, स्माइलिंग फेस के साथ, ये ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है तो इसको अच्छी तरह से फुली एंजॉय कीजिए। तो लव यू सो मच, आपने देखा अभी आगे रूम में कुछ 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 कर रहा था, वो ऐसे ही करता रहता है, टाइम पास करता रहता है, उसकी दीदी नहीं होती ना तो ऐसे ही करता है, दीदी होती है तो बिज़ी रहता है अपनी दीदी के साथ, दीदू बोलता है उसको, दीदू प्रिशु दीदू। तो मेरे चेहरे पे अब थकान टपक रही है, सो चलिए फाइनली बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिविटी फैलाइए ना कि नेगेटिविटी।